हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैंने बनाया है गार्लिक ब्रेड जो हार्डली थर्टी मिनट्स लेगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप यूज़ करोगे तो एकदम तो परफेक्टली गार्लिक ब्रेड बनकर हमारा रेडी हो जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विथ आ रेसिपी सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ कुकर जिसे हम कर लेंगे प्री हीट तो मैंने इसमें डाला है नमक ये नमक बहुत बार यूज़ किया इसलिए थोड़ा सा काला पड़ा हुआ है इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसमें रख लेंगे स्टैंड और इसे मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा कर तो ढक्कन में से मैंने बेल्ट और सीटी हटा दी है और इसे क्लोज कर कर बस इसे मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए यानी प्री हीट होने के लिए रख लेना है तो अब मैं ले रही हूँ बटर ये मेल्टेड बटर है तो करीब तीस ग्राम होगा ये अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन तो मैंने कद्दूकस किया हुआ लहसन लिया है आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो तो करीब एक चम्मच मैं कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ बटर में और इसे कर लेना है मिक्स देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है अब इसे रख लेंगे साइड में तो यहाँ मैंने लिया है गेहूँ का आटा तो यहाँ मैं दो गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ इसलिए मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है आधे कप का नापे इसलिए दो बार लिया है और नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ एक टी स्पून साथ ही इसमें चीनी डाल रही हूँ एक टी स्पून और ये है बेकिंग पाउडर तो मैं बेकिंग पाउडर भी यहाँ डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच अब मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा तो यहाँ बेकिंग सोडा मैंने एक चौथाई यानी वन फोर्थ टी स्पून लिया है इसे कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स और अब इसमें हम डालेंगे दही तो ये दही है वन थर्ड अगर आप कोई कटोरी का नाप ले रहे हो तो उसका एक तिहाई हिस्सा दही का डालना है उसमें तो इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स इसे गूंदना है तो पानी की मदद से हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे तो पानी दही वाले कप में ही मैंने लिया है थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है तो पानी डाल लेंगे इसमें और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रख लेंगे बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है इसकी बस आटा गुन जाए इस तरह से मसाज करनी है देखिए सॉफ्ट सा एक डो बनकर आप देख सकते हैं रेडी हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसन और बटर वाला हमारा मिक्सचर तो दो चम्मच के करीब मैं इसमें ये मिक्सचर डालूँगी आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हो एक हाथ चम्मच अगर आपको ज़्यादा लहसुन पसंद है इसमें मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब करीब एक छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ये भी अप कर सकते हो आप चाहें तो इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हो और इसे भी अच्छे से आधा से एक मिनट के लिए मसाज करनी है बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है इसकी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस इस हिसाब से आएगा तो एकदम ऐसे टूटा टूटा सा जो टेक्सचर आया है आटे का ये एकदम परफेक्टली बैक होने के लिए रेडी है तो इसे मैं स्प्लिट कर लेती हूँ दो पार्ट्स में क्योंकि मैं यहाँ बना रही हूँ दो गार्लिक ब्रेड तो आधा आधा कर कर बना लेंगे तो अगर आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है तो उस हिसाब से आटे का ले सकते हो आप जैसे तीन या चार बनाने हैं तो दो कप ले लो तो यहाँ पर मैंने दो गार्लिक ब्रेड के हिसाब से लिया है अब इसे रोल कर कर मैं कर रख लूँगी साइड में इस तरह से बॉल्स बना के हम रख लेंगे साइड में और कोई भी गोना नहीं आटा डायरेक्टली मैं यूज़ करने वाली हूँ तो यहाँ मैंने लिया है चकला तो बिना बेलन के मैं उंगलियों से इसे प्रेस करते हुए क्योंकि वो मोटा मोटा सा आ, ही रोटी बनानी है तो मैं उंगलियों से ही कर रही हूँ बेलन से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए इस रोटी पर आप देख सकते हैं उंगलियों से मैंने इसे स्प्रेड किया है और इसका थिकनेस मैंने किस तरह से रखा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर इसे नहीं बेलना है क्योंकि इसका एक फ्लफ़ीनेस जो आएगा उंगलियों से प्रेस करने में बहुत अच्छा आएगा तो इसका थिकनेस आपने देखा है किस तरह से मैंने रखा है बहुत ज़्यादा पतला ये रोटी नहीं रखना है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ किया है अगर आप चाहें तो मोजरेला भी ले सकते हो तो जो अवेलेबल है वो ले लो बस चीज़ अपनी ग्रेट किया हुआ यूज़ किया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स करीब एक छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है सब तरफ और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरगैनो सेम वे में ऑर्गेनो भी आधा से एक चम्मच ऑरगैनो यूज़ किया है मैंने यहाँ इसे भी चिली फ्लेक्स जैसे स्प्रिंकल करना है चीज़ के ऊपर और ये पानी लिया है मैंने जो साइड से रोटी में लगाएंगे यहाँ पर ये पानी एज अ ग्लू यूज़ होगा तो इस तरह से सारे किनारे पर पानी लगा लेना है अच्छी तरह से और फिर इसे हाफ इस तरह से चिपका लेना है अच्छे से कोने प्रेस करते हुए हम चिपका लेंगे

आ, यहाँ पर एक टिप दे रही हूँ मैं जो मैंने चीज़ अंदर फील किया है वो एकदम फ्रोज़न वाला चीज़ है अगर हम मेल्टेड या बाहर रखा हुआ सॉफ्ट वाला चीज़ यूज़ करेंगे तो मेल्ट होकर बाहर निकलने का चांस होता है तो हम चीज़ जो ले रहे हैं वो फ्रोज़न वाला ही लेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लेट जो मैं कुकर में रखने वाली हूँ तो उस हिसाब से आप रोटी का शेप रखना बेलते वक्त बटर पेपर डाला है अब इसमें मैंने रखा है गार्लिक ब्रेड और अब इस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ गार्लिक और बटर वाला मिक्सचर अच्छी तरह से एक सब एक तरफ अप्लाई कर लिया है अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से अप्लाई करेंगे तो मैं इसे फ्लिप कर लूँगी और सेकेंड साइड से सेम गार्लिक और बटर वाला मिक्सचर अप्लाई कर लेना है और अब इसमें हम लगाएंगे कट तो एकदम हल्की सी कट लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगानी है और ये एकदम बनकर रेडी है बेक होने के लिए तो कुकर भी अच्छी तरह तो से प्री हीट हो चुका है अब इसमें मैं रखूँगी ये प्लेट और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है मीडियम टू हायर साइड ही रखनी है लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे हम हमको रिक्वायर्ड जो कलर है वो नहीं आएगा अगर हम लो फ्लेम पे पकाते तो मीडियम टू हाई हीट पर ही पकाना है जब तक हमारा कलर ना आ जाए आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है दस से पंद्रह मिनट मैंने बेक किया था ये तो इसे केयरफुली मैं निकाल लेती हूँ पकड़ की मदद से और अब इस नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे तो इसे निकाल लेंगे हम आ, बोर्ड पर तो केयरफुली से निकाल लेंगे क्योंकि ये गर्म है और इसे कर लेते हैं कट जहाँ से हमने कट लगाई थी देख सकते हैं आप कितना आ, इसका टेक्सचर एकदम ऐसे करारा सा दिख रहा है तो अब देखिए अंदर चीज़ भी है मोजे होता तो वो फट के बाहर निकलता तो मैंने तो आज प्रोसेस्ड यूज़ किया था और अब इस पर ये जो बटर और गार्लिक वाला मिक्सचर है बस वो अप्लाई करना है अच्छी तरह से और थोड़ा सा ऑर्गेना स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो या फिर आप चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हो और ये गार्लिक ब्रेड बनकर एकदम रेडी है एकदम फटाफट से आप देख सकते हैं आटा गुंदने में पाँच दस मिनट लगा होगा और गार्लिक ब्रेड बनने में दस से पंद्रह मिनट तो आधे घंटे में ये गार्लिक ब्रेड बनकर एकदम रेडी हो जाएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना थैंक यू